एवरीवन, वेलकम टू रविंदर लाइव यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे 2017 का पहला पेपर जो आया था उसके कंप्लीट एनालिसिस के बारे में। इसके इस सेशन के अंदर आपको प्रॉपरली जितने 2017 के अंदर पहले पेपर के एफकेट के अंदर जितने भी जीके के क्वेश्चन आए थे, हम उसका सबका करेक्ट आंसर और प्लस जितने क्वेश्चन आए थे उनका कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। तो आपको भी आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले एक नीचे आपको टेलीग्राम का चैनल दिख रहा है, अगर आप एपकेट की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल के साथ जुड़ जाओ। इसके अंदर आपको फ्री के अंदर काफी पीडीएफ और कुछ आपको फ्री क्लास अरेंजमेंट यहां पे प्रोवाइड हो रही है, जिसका बेनिफिट आप सारे बच्चे लेकर अपना अपना बेनिफिट ले सकते हैं। कोई भी मेरे यूट्यूब पे ये क्लास जो आप देख रहे हो अभी, कोई भी क्लास अगर होगी तो वहां पे सबसे पहले लिंक आएगा और उसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। ऊपर एक आपको मेरा एक व्हाट्सअप का नंबर दिख रहा है, अगर आपको और कोई भी जानकारी चाहिए, एफकैट, सीडीए, सीएपीएफ, एसएससी, कोई भी पेपर आपने क्रैक करना है तो यहाँ पे मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके आप अपनी जानकारी को रिकवर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल के साथ नए जुड़ रहे हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड सर्कल से शेयर करो। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। व्हाट इज द ओल्ड नेम ऑफ यूएसए? यूएसए का सबको पता है कि यूएसए क्या है, ठीक है, फेमस कंट्री है, तो इसका ओल्ड नेम क्या है? यूनाइटेड कॉलोनीज। ए ऑप्शन इज ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर चलते हैं। विच रिलीजन वॉज फाउंडेड बाय अकबर? इनमें से कोई ऐसा रिलीजन है जो कि अकबर ने फाउंड किया था, वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, दीने इलाही। दीने इलाही जो है अकबर ने फाउंड किया था, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। हु वाज द इंडियन आर्मी चीफ इन अक्टूबर 2016? रिमेंबर दैट ये इंडियन आर्मी चीफ 2016 का पूछा जा रहा है, 2022 या 23 का नहीं, ठीक है। तो अगर आप 22, 23 या 24 के पेपर की तैयारी कर रहे हो तो आपको देखना पड़ेगा 2016 के अंदर जो भी था उसका क्वेश्चन आया है, ठीक है। अगर 2022 का पेपर है तो 2021 वाला पूछा जा सकता है, 2022 का पूछा जा सकता है, या फिर 23 और 24 का पूछा जा सकता है, ठीक है, जो भी आपका पेपर है उसके हिसाब से। बट इतना पुराना क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, तो सिर्फ ये आइडिया है कि इस तरीके के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं तो इनको आप जरूर प्रिपेयर करके जाए, ठीक है। इंडियन आर्मी चीफ जो अक्टूबर 2016 में थे उनका नाम था यहाँ पे दलबीर सिंह, ऑप्शन नंबर बी। हु वाज द इंडियन नेवी चीफ इन अक्टूबर 2016? दैट इज ऑप्शन नंबर डी, सुनील लांबा। योरलंग जम्बू एक रिवर का नाम है, तो इनमें से कौन सी ऐसी रिवर है? दैट इज ए ऑप्शन, ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा की अगर बात करें, जैसे ब्रह्मपुत्रा, गंगा, नर्मदा, अगर मैं इसको कंट्री वाइज चेक करूँ ना, जो जो कंट्री से गुजर के निकल के जाती हैं, तो हर एक कंट्रीज के अंदर इनके नाम अलग अलग हो जाते हैं, तो आप सारे बच्चे थोड़े बहुत नाम जरूर पढ़ लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, विच इज द हाइएस्ट टावर इन द वर्ल्ड? दैट इज ऑप्शन नंबर सी, बुर्ज खलीफा। ये सबको पता होगा इसका नाम, बट सब बच्चों की जानकारी के लिए बता दूं, आने वाले टाइम में एक और भी बिल्डिंग बनाई जा रही है जिसकी हाइट होगी लगभग 1.6 किलोमीटर के आसपास। बुर्ज खलीफा की हाइट लगभग 0.87 किलोमीटर है, नियर अबाउट 800 समथिंग मीटर के आसपास, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, बट आप चेक करना, इतने के आसपास है, अभी की सबसे हाईएस्ट ही है। बट आने वाले टाइम में एक और भी बिल्डिंग बनाई जा रही है जिसका स्टार्ट हो चुका है, 1.6 किलोमीटर उसकी हाइट है, और उसके अलावा एक और बिल्डिंग का मैप पास हो चुका है, उसकी कंस्ट्रक्शन कब होगी वो भी आप चेक कर लेना, अभी उसका मैप ही सिर्फ पास हुआ है, उसकी हाइट है 4 किलोमीटर, ठीक है, अभी उसकी कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं हुई है बट स्टार्टिंग आने वाले टाइम में हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर चलते हैं। हु वाज इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन द इलेक्शन हेल्ड आफ्टर द डेथ ऑफ राजीव गांधी? दैट इज पीवी नरसिम्हा राव, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। हु डिफीटेड पीवी संधू इन द फाइनल इन रियो ओलंपिक? दैट इज ऑप्शन नंबर ए, कैरोलिना मारे, ऑप्शन नंबर 9। विच इज द लार्जेस्ट डायमंड प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड? दैट इज ऑप्शन नंबर ए, रशिया। इन विच साउथ कोरियन सिटी द एशियन गेम्स 2014 वेयर कंडक्टर कंक्लूडर? दैट इज ऑप्शन नंबर ए। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंट? दैट इज ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड माउंटबेटन। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट वाज द स्कोर ऑफ दीपा करमाकर इन द फाइनल राउंड इन रियो ओलंपिक? दैट इज 15.066। क्वेश्चन नंबर 13, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर द सलाला प्रोजेक्ट वाज लॉन्च? ये क्वेश्चन आपके 2018 के पेपर में पूछे गए हैं, तो आप इन क्वेश्चन को प्रॉपरली ध्यान रखें, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, चेनाब। विच पोर्ट इन ईरान हैज बीन बिल्ड बाय इंडिया? दैट इज ऑप्शन ए, चाबार पोर्ट। क्वेश्चन नंबर 15, विच पोर्ट इन पाकिस्तान वाज हैज बीन बिल्ड बाय चाइना? दैट इज ऑप्शन नंबर बी, गवादर पोर्ट। ऑप्शन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लासिकल डांस ऑफ केरला? दैट इज ऑप्शन नंबर ए, मोहिनीअट्टम। तो जब आपके क्लासिकल डांस होते हैं तो आप उनको प्रॉपरली पढ़ लिया करो, जैसे कुचिपुड़ी है, सत्रियाम हो गया, भारतनाट्यम हो गया, तो एक कौन कौन सी स्टेट से फेमस है ये आप सारे बच्चे पढ़ लिया करो, ठीक है।
इनसे पेपर आएगा ही आएगा। और नॉर्मली आपको बताऊं, साउथ के जितने भी डांस फेमस है वही पेपर के अंदर ज्यादा टाइम आते हैं, क्योंकि उसी में कंफ्यूजन होती है बच्चों को, तो आप पढ़ लेना उसको, ठीक है। विच इंडियन स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बनाना, दैट इज तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर ए। विच इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन हैज बीन अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, साइना नेहवाल। क्वेश्चन नंबर 19, हु वाज द फर्स्ट तीर्थंकरा ऑफ जैनिज्म, जैनिज्म, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। हु वाज द 23rd तीर्थंकरा ऑफ जैनिज्म, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 21, हु रॉट द एपिक पोएम पद्मावत। पद्मावत के बाद में आपको पता है कि मूवी भी आई थी इसके नाम से, तो ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कई बार। तो मूवीज आजकल कौन कौन सी चल रही है फेमस, तो उनके बारे में भी, जो कंट्रोवर्सी वाली मूवीज होती हैं वो नॉर्मली पेपर के अंदर आपके दिख जाती हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो कंट्रोवर्सी वाले क्वेश्चन आप जरूर पढ़ लिया करो, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, मलिक मोहम्मद जैसी। क्वेश्चन नंबर 22, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, वॉरेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन नंबर 23, विच इज द ऑल्डेस्ट एक्टिव वेलकैनो ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, चिम्बोरोजो। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनर्ट गैस, दैट इज ए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज नॉट ए इनर्ट गैस, बाकी जो आपके पास गैस बची है दैट इज, दैट ऑल आर इनर्ट। विच इज द ऑल्डेस्ट रिफाइनरी इन इंडिया, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, विशाखापट्टनम रिफाइनरी।